और अमेरिका को यह भी मालूम है कि इस समय हिंदुस्तान में अमेरिका से ज्यादा वैज्ञानिक हैं, अमेरिका से ज्यादा इंजीनियर्स हैं, अमेरिका से ज्यादा डॉक्टर्स, शायद दुनिया में हमसे ज्यादा वैज्ञानिक एक ही देश में है वो चीन, या हमसे ज्यादा इंजीनियर एक ही देश में है वो चीन, उसके बाद दूसरा नंबर भारत का ही है। हमारे देश में जो ए कैटेगरी के साइंटिस्ट हैं उनकी संख्या 60,000 से ज्यादा है इस समय, अमेरिका में इसी कैटेगरी के साइंटिस्ट की संख्या 12-13,000 के आसपास, और हमारे यहां जो अच्छे साइंटिस्ट हैं, जो उच्च क्वालिटी के साइंटिस्ट हैं, उनकी संख्या तो ये है 60,000 से आगे, लेकिन इसके अलावा हमारे यहां कुछ ऐसे भी दिमाग हैं जो बहुत ही टेक्निकल एक्सपर्टाइज वाले हैं, अमरीका उनसे और ज्यादा परेशान कर, माने हिंदुस्तानियों में कुछ ऐसे दिमाग हैं जिनको आप एक बार कोई मशीन खोल कर दिखा दो और वो मशीन फिर आपको वो बेच देंगे बना, ऐसा बहुत दिमाग है। और ऐसा दिमाग हमारे देश में उल्लासनगर एरिया में सबसे ज्यादा रहता है। एक बार आप उनको कोई मशीन दिखाओ फिर वही मशीन आप उनसे बनवा लो। अभी कुछ लोग इसको मजाक मानते हैं, मैं इसके लिए बहुत सीरियसली बात करता हूं क्योंकि मैं खुद टेक्नोलॉजी का आदमी हूं इसलिए मैं जानता हूं। कुछ लोग कहते हैं राजीव भाई इसमें क्या है, नकल करना है। मैं कहता हूं नकल करने के लिए भी अकल लगती है, सब क्यों नहीं कर सकते ये नकल। मैं आपको देता हूं एक मशीन, आप खोल के देख लो फिर बना के दिखा दो, आपसे तो बस नहीं बनेगा, आपने तो एक बार खोल दी तो उसको जोड़ना भी नहीं आएगा कि कौन सा नट कहां लगाना, कौन सा बोल्ट कहां लगाना, ऐसा दिमाग है इस देश में। एक तो ये उल्लासनगर के एरिया में बहुत ऐसा दिमाग है, पंजाब के इलाके में लुधियाना के आसपास, जलंधर के आसपास ऐसा बहुत दिमाग है, ऐसा ही गुजरात में सौराष्ट्र के इलाके में ऐसा बहुत दिमाग। एक बार मैं अभी खुद देख के आया मेरी आंखों से, एक बहुत बड़ी कंपनी है उसका नाम है अजंता क्लॉक, 100% स्वदेशी कंपनी है, तो मैं गया उसको देखने मोरबी में, तो उस कंपनी में एक मशीन इस्तेमाल की जाती है घड़ी का बैलेंस सेट करने के लिए, तो वो मुझे दिखाने ले गए जो मालिक थे कंपनी के, राजीव भाई चलिए मैं आपको अपनी पूरी फैक्ट्री दिखाता हूं। तो फैक्ट्री दिखाते दिखाते वो मुझे एक मशीन के पास ले गए और कहने लगे देखिए राजीव भाई इस मशीन को आप ध्यान से देखिए। तो मैंने कहा इसमें क्या खास बात है, उन्होंने कहा ये 100% स्वदेशी मशीन है। तो मैंने कहा अच्छा तो ठीक है। मैंने जब उस मशीन को देखा तो मुझे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि ये बनाई कैसे किसी व्यक्ति ने, वो मशीन सिर्फ जापान में बनती है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही देश में बनती है वो मशीन, जापान में। कभी पहले स्विट्जरलैंड में बनती थी, अब स्विट्जरलैंड में भी नहीं बनती, जापान में बनती है। तो जो मशीन दुनिया में सिर्फ जापान नाम के देश में बनती है और 60-70 लाख रुपए में आती है, वो मशीन एक राजकोट के मैकेनिक ने बनाई। तो मैंने उनको पूछा कि वो आदमी को जरा मिलवाइए, तो उन्होंने कहा अभी तो वो है नहीं, बाहर गया है, बाद में आप कभी मिलिए। मैंने उनसे पूछा कि ये मशीन का खर्च कितना आया बनाने का, उन्होंने कहा राजीव भाई आप विश्वास नहीं करेंगे, मात्र 90,000 रुपए का खर्च आया, वो उस आदमी ने बनाई। जो मशीन अभी तक सिर्फ जापान में बनती है, घड़ी बनाने जैसे सेंसिटिव काम में लगती है, आप जानते हैं कि रिस्ट वॉच बनाना और ये जो क्लॉक बनाना ये बहुत सेंसिटिव काम है, तो इतने सेंसिटिव काम के लिए बहुत ही सेंसिटिव मशीन की जरूरत होती है, वो उस आदमी ने बनाई है। और वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन दिमाग उसका बहुत तेज चलता, पढ़े लिखे होने से मतलब हम मानते हैं डिग्री नहीं है उसके पास, बिना डिग्री के इस देश में बहुत सारे इंजीनियर हैं, हाँ बिना डिग्री के बहुत इंजीनियर हैं इस देश में, बिना डिग्री के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं इस देश में, ऐसे तमाम तरह के खोजी दिमाग के लोग इस देश में हैं। अमरीका इनसे घबराता क्योंकि इन सबकी संख्या अगर गिनी जाए तो इतना बड़ा टेक्निकल एक्सपर्टाइज हमारे पास है, इतना बड़ा टेक्निकल मैन पावर हमारे पास है जिसके बारे में कभी दुनिया का कोई देश कल्पना नहीं करता। ये तो हमारे देश के नेताओं की बेवकूफ भरी नीतियां हैं जिसके चलते हमारे देश में ये जो टेक्निकल माइंड क्लास है इसका कोई बहुत प्रमोशन नहीं होता या इसको समाज में इज्जत नहीं मिलती, अन्यथा तो हिंदुस्तान को असली तकनीकी देने वाला क्लास यही है। तो अमरीका इनसे घबराता और ये क्लास चीन में भी है तो इसलिए अमरीका चीन से भी घबराता। तो अमेरिका को लगता है कि कभी भी हिंदुस्तान और चीन नाम के देश कभी भी हमसे आगे निकल सकते हैं, इसलिए तो वो कुछ ना कुछ खुराफात करता रहता है।